हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर खोलने के पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को दाखिल पीआईएल पर हरियाणा सरकार को एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर के बैरिकेड खोलने का निर्देश दिया था। हरियाणा सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर रास्ता बंद किया गया है, हाईकोर्ट को ऐसा फैसला नहीं देना चाहिए। 15 जुलाई को हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट से इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग कर सकती है। बता दें, बीते दिन 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर कहा था कि राज्य सरकार हाईवे के यातायात को कैसे रोक सकती है और हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती क्यों देना चाहती है, जिसके बाद आज शनिवार को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सहित अन्य राज्यों में अधिक ग्राम न्यायालय खोलने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने राजस्थान के मुख्य सचिव को कहा कि वे अपने संबंधित क्षेत्रों में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के साथ अतिरिक्त ग्राम न्यायालय खोलने पर चर्चा करें। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि कुछ राज्यों में ग्राम न्यायालय सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश अदालतों में बुनियादी ढांचा विकसित करने, केसों की पेंडेंसी को कम करने, पक्षकारों को जल्द न्याय सुनिश्चित करने और आमजन को सस्ता व सुलभ न्याय दिलवाने के उद्देश्य से दायर पीआईएल पर सुनवाई करते हुए दिया। सुनवाई के दौरान राजस्थान के एएजी शिवमंगल शर्मा ने अदालत को बताया कि राजस्थान में मौजूदा समय में 45 ग्राम न्यायालय पूरी तरह से संचालित हैं। हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट ने अन्य जिलों में भी 19 ग्राम न्यायालय खोलने का सुझाव दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में वकालत करने वाले अधिवक्ताओं को जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा समेत अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़े जाने को लेकर गंभीरता दिखाते हुए सरकार को वकीलों को जीवन बीमा का लाभ देने के लिए प्रावधान करने का निर्देश दिया है। ये निर्देश अधिवक्ताओं को सरकारी योजनाओं से जोड़कर सुविधा दिलाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विद्युत रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि ज्यादातर वकील अपना जीवन यापन ठीक से नहीं कर पाते, ऐसे में जीवन और चिकित्सा बीमा के संबंध में दिशा निर्देश तैयार करना सरकार का काम है। साथ ही चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि वकील समुदाय लोगों को न्याय दिलाने के अपने कर्तव्य में तत्पर रहते हैं, लेकिन उन्हें सरकार की ओर से न्याय नहीं मिलता। कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते दिन उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उसे जमानत दे दी। यह आदेश हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने दिया है। सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा को एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने गिरफ्तार किया था। राजीव नयन प्रयागराज के थाना मेजा ग्राम अमोरा का रहने वाला है। पेपर लीक मामले में नोएडा के थाना सेक्टर 39 में एसटीएफ की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पेपर लीक गैंग के सह अभियुक्तों प्रमोद कुमार पाठक, मोनू पंडित, मोहन उर्फ मोना, गौरव चौधरी, आशीष पालीवाल, अखिलेश और राहुल की गिरफ्तारी के बाद राजीव नयन मिश्रा का नाम सामने आया था। पेपर लीक के मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा की जमानत पर वकील स्वाति अग्रवाल ने दलील दी कि याचिका नाम गौतम बुद्ध नगर थाने में दर्ज पुलिस की एफआईआर में नहीं है, सह अभियुक्तों के बयानों में उसका नाम आया है। सह अभियुक्तों को जमानत मिल चुकी है, इसलिए उसे भी जमानत मिलनी चाहिए, जिस पर जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने उसकी अर्जी को मंजूरी दे दी। वहीं राजीव नयन मिश्रा का नाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आर ओ ए आर ओ परीक्षा के पेपर लीक के मास्टरमाइंड के रूप में भी सामने आया है। हाल ही में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रयागराज ने इस मामले में उसकी जमानत खारिज की थी। आर ओ ए आर ओ पेपर लीक मामले में राहत नहीं मिलने से वो अभी हिरासत में ही रहेगा। पटना हाई कोर्ट ने सीबीआई को नीट पेपर लीक घोटाले में पटना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 13 आरोपियों को हिरासत में लेने की अनुमति दे दी है। सीबीआई ने कोर्ट में दलील दी कि मुख्य आरोपी राकेश रंजन ने नीट यूजी के पेपर को हल करने के लिए सॉल्वर की व्यवस्था की थी, इसलिए गिरफ्तार लोगों को हिरासत में लेने की अनुमति मांगी गई है ताकि उनका सामना राकेश रंजन उर्फ रॉकी से कराया जा सके, जो अभी सीबीआई की हिरासत में है। इससे पहले सीबीआई ने पटना की विशेष सीबीआई कोर्ट से मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद सीबीआई रिमांड की मांग करते हुए हाई कोर्ट पहुंची थी। वहीं हाई कोर्ट ने इस मामले में 13 आरोपियों की हिरासत सीबीआई को दे दी है। सीबीआई हिरासत में भेजे गए 13 आरोपियों में नीतीश कुमार, अखिलेश कुमार, सिकंदर प्रसाद यादवेंदु, आयुष कुमार, बिट्टू कुमार, अमित आनंद, आशुतोष कुमार, रोशन कुमार, अनुराग यादव, अभिषेक कुमार, अवधेश कुमार, शिवनंदन कुमार और रीना कुमारी शामिल हैं।
शनिवार को लखनऊ में आयोजित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि लॉ की पढ़ाई में क्षेत्रीय भाषाओं को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं अक्सर देश के तमाम शिक्षाविदों से विचार विमर्श करता हूं कि कैसे कानून की पढ़ाई को सरल भाषा में पढ़ाया जा सके। अगर हम कानून के सिद्धांतों को सरल भाषा में आम जनता को नहीं समझा पा रहे हैं तो इसमें कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा की कमी नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि कानून को पढ़ाने की प्रक्रिया में हमें क्षेत्रीय भाषाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को जरूर हिंदी में LLB कोर्स शुरू करना चाहिए। हमारे विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय मुद्दों से जुड़े कानूनों को भी पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मैंने ऐसे कई निर्देश दिए हैं जिससे न्याय की प्रक्रिया को आम लोगों के लिए आसान बनाया जा सके। अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंग्रेजी में दिए गए निर्णयों का भारत के संविधान में प्रचलित विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है जिससे आम जनता भी समझ सके कि निर्णय में आखिर लिखा क्या गया है। आज 1950 से लेकर 2024 तक सर्वोच्च न्यायालय के 37,000 निर्णय हैं जिनका हिंदी में अनुवाद हो गया है और ये सेवा सब नागरिकों के लिए मुफ्त है। मैं दोहराना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कानूनी शिक्षा से इंग्लिश को हटा देना चाहिए, मेरा तात्पर्य यह नहीं है, बल्कि अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी अपनाना चाहिए। इस दौरान दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कोर्ट से जुड़ी प्रतिदिन की कार्यवाही से अपडेट रहने के लिए हमारे विशेष कार्यक्रम को देखें और वीडियो को शेयर करें।